हाँ माँ, माँ मैं खाना खा लूंगा यार, इतनी चिंता मत किया करो, मैं बड़ा हो चुका हूँ। अच्छा रुको रुको, डायरेक्टर साहब का फोन आ रहा है, रुक जाओ। हेलो सर, सर प्लीज प्लीज मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करने दीजिए, संजय कॉलोनी मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है लाइफ का, सर प्लीज प्लीज सर, आई नीड योर सपोर्ट सर प्लीज। हेलो हेलो, साला खड़ूस यार, तू कहे ना कहे लेकिन मैं तो प्रोजेक्ट बना के ही रहूंगा और तुझे प्रमोशन देनी ही पड़ेगी। यहाँ लोग रहते भी हैं कि नहीं रहते? अरे फरिश्ता मिल गया। भाई सर ये क्या है, क्या है तू हमें गुस्सा करता रहता है, बात तो सुन ली। हाँ बोलिए भाई सर, क्या काम है? भाई साहब मुझे ना संजय कॉलोनी के बारे में कुछ जानना है, तो आप कुछ बता सकते हैं मुझे इस बारे में? क्या जानना है? कुछ नहीं यहाँ पे भाई, समझिए समझिए हो कभी ऐसा, उनके बारे में कुछ बता दीजिए। घर आने तो वो अच्छा, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, अब इन्हें क्या पता उन दोनों के बारे में। घोड़ा साला मरा आया। सॉरी भाई साहब, पानी पियोगे? भाई साहब चाय नहीं चलेगी, पिलाऊं चाय? नहीं भाई साहब पानी ठीक है। भाई साहब ऐसी क्या बात हो गई, भाई ने मोई पकड़ लिया मेरा एकदम। लाले शुगर बना तू बच गया, वरना आज तेरे को हमारे बिना छोड़ते नहीं। क्यों ऐसी क्या बात है? ऐसी जा छोटे घर जा भाई, एक मिनट एक मिनट। अभी अभी तक गया नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा, मार खा कर जाएगा। संजय कॉलोनी में दिख मत जी आज के बाद। अरे भाई साहब मेरा बॉस और कलीग कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, प्लीज मैं जानता हूँ आपको संजय कॉलोनी के बारे में पता है, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अब आप मुझे इस बारे में कुछ बताइए, प्लीज हेल्प करिए मेरी। अबे लेकर आज जोड़ूंगा चल। भाई सर मुझे यहाँ छत पे क्यों ले आए? मैंने आपको कहानी बताने को बोला था, आप छत पे ले आए। घोड़े यहाँ बहुत कुछ शुरू हुआ और बहुत कुछ खत्म। कहानी? कहानी तो दो लड़कों की है, पर किसे पता था वो संजय कॉलोनी को पूरी तरह बदल देगा। और वो कौन? और संजय कॉलोनी पहले कैसी थी? तो घोड़े समझा, तुझे लगता है संजय कॉलोनी पहले से ऐसी थी? हिंदू जाति के सिवा और कोई जाति का इंसान इस एरिया में कदम नहीं रख सकता था, लेकिन वो साला वो सब कुछ बदल के चला गया यहाँ से, सब कुछ। आजा भाई के पास क्या काम पे?
और बंटर लोग सपना गया तुम्हारा? और बताओ। अरे भाई अपनी छोकरी लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं और कैसे अपनी बिल्कुल सही कह रहा जग्गा भाई, बिल्कुल सही कह रहा ये चाहिए यही। और पांडे तू बता भाई, मैं तो बनूंगा संजय कॉलोनी का बादशाह। है क्या बोल रहे मैं? क्या बोल रहे तू बनेगा? अबे धरला तू बनेगा बेटा? सपने ना औकात देख के देखे जाते हैं। आशा भाई का काम करने वाला ना ना भाई है, छोड़ रहा हूँ तुझे, चल ठीक है भाई, माफ कर दो। और राघव कभी गर्मी छा रही तेरे सर पे है भाई? आपको याद लगाया तो उसका हाथ काट देगा तू। चल अच्छा ही बात बता, करम सुलती बारी से तूने अभी तक? वो नहीं दे रहा। चल कैसे नहीं, बाप भी देगा उसका, आ जा तू। आ जाएगा भाई, चलो भाई। क्या हुआ उसे? अरे क्या नाम है जरा, कहाँ से है तू और यहाँ क्या कर रही है बेटा? बेटा अरे अरे बेटा खून बेटा। दवाई ले जा रहा हूँ सुलझी ले तू फिर से है? कबीर कबीर तुझे क्या हो रहा है? तुझे मालूम है ना वो दूसरे धर्म की लड़की है, हम नहीं पाल सकते उसको। तुझे क्या हो गया भाई, क्या हो गया है, क्या बिगाड़ा उस लड़की ने तेरा? तू समझ क्यों नहीं रहा, क्या बिगाड़ा उन्होंने तेरा? कबीर तुझे याद है बचपन में कैसे उन लोगों ने हमारे पापा को बेरहमी से मारा था? तुझे याद नहीं होगा पर मैं बदला जरूर लूंगा। तू जो करना है तू वो कर, पर मैं अपना धर्म जरूर निभाऊंगा। और मां का क्या, क्या मां का? तूने कौन सा रहम बख्शी था अपनी मां को? आखिर की 6 महीने तड़पती रही हमारी मां, हमारी क्यों, मेरी मां, और तू छोड़ दिया था ना वैसे, पर मैं तो इतना नहीं हूं, मैं अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता था। अब मुझे जो सही लगे मैं वो कर लूँगा, तो रोक सकता है ना तो रोक ले। तो सुन तुझे जो करना है वो कर, पर मेरे गुरु पाशा भाई हैं और उनके लिए सबसे ऊपर धर्म, तो मैं अपना धर्म निभाने से पीछे नहीं हटूंगा। भाई कबीर आपका भाई है, वरना अभी तक काट के फेंक देता मैं उसको। भाई इस बार तो अपन को भी गुस्सा आ रहा है, ला कर सकता है वो दूसरी जात की लड़की को इस कॉलोनी में, अब बताओ क्या करना है? तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं यार, क्योंकि अब जो करूँगा उसका वो मैं करूँगा। बचपन से बस एक ही बात सीखी है, धर्म से ऊपर कुछ नहीं, तो अब कबीर भी नहीं धर्म से ऊपर। राघव मैंने पांडे को भेज दिया ऊपर लड़की लेने छत पे। जग्गा ध्यान रखना, पुलिस को कोई लफड़ा नहीं है, अपना पसंद नहीं है उनको, ठीक है? पूछता है पुन अभी आता है लेके।
और वो लड़की नहीं आएगी पांडे। कबीर 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 मत कर, मत कर मजबूर मेरे को, तुझे मत कर मुझको मजबूर। मजबूर तो तूने कर दिया भाई। मान जा कबीर, वरना शमशीर के हाथ आज एक और मौत पक्की है। भूलने की भूल करना नहीं, कुछ भी होने दो फिर भी डरना नहीं, करे या ना करे दुनिया कोई परवाह, हर दम तेरे संग रहेगी मेरी दुआ। पाशा भाई से बात करो। हाँ हाँ भाई, पर क्यों? ठीक है भाई, ठीक है। और पांडे अब दफा हो यहाँ से। कबीर तुझे हो क्या गया है? तू उस लड़की के लिए
क्यों अपने भाई से लड़ेगा मतलब तू लड़की के लिए क्यों कर रहा है सब तू समझ में नहीं आ रही तुझे एक बार में यही फर्क है हम दोनों में भाई यही फर्क तेरे लिए सब कुछ हिंदू धर्म सब कुछ तू किसी की जान ले सकता उसके लिए और मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म मर रही है भाई वो बच्ची मर रही है कैंसर से हम उसकी मदद कर सकते हैं तू ही बता आई बाबा होते तो क्या मना करते क्यों लड़की दूसरी जात की है उसकी मदद नहीं करनी नहीं ना अपनी आई भी ऐसी गुजर रही थी तूने तो नहीं मैंने देखा कैसे मरी वो अगर हम उसे बचा सकते तो नहीं बचाता क्या भाई इतने सालों से नफरत की दीवार तूने खड़ी कर रखी है हम दोनों के बीच क्यों भाई क्यों मुझे बड़े भाई का प्यार नहीं मिल सकता क्यों क्यों है तू ऐसा है छोटा तू पर आज तूने बात बहुत बड़ी कर दी है यहाँ छू है तेरी बात आज तुझे क्या लगता है मुझे आई की याद आती नहीं है फर्क इतना है मैं दिखाता नहीं और तू दिखा देता है और कभी उसे छोटे भाई का प्यार मिलेगा मेरा बड़ा भाई उसे प्यार देगा क्या कर रहा भाई चलो इनके बच्चे आए बात है कबीर भाई और शमशीर भाई है कहाँ उनसे भी मिलना है उनका भी इंटरव्यू लेना है अब वो नहीं रहे क्या अबे मर गए किसने मारा कबीर को उसी के भाई शमशीर ने मारा क्या और शमशीर को शमशीर को